नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं जो आपको एक यह झाड़ी दिखा रहा हूँ, यह एक छोटी सी, यह हमारे रेगिस्तान के अंदर अत्यधिक मात्रा में रेत के मध्य पाई जाती है। इसे जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो इसे कपोक बुश के नाम से इसको बताया गया है। हम इसे बुई कहते हैं। और जिस तरह से एक कहावत है कि गरीब की गाय बकरी होती है, वैसे यह जो पौधा है इसे मैं थोड़ा पानी ज़्यादा पिला रहा हूँ। इस वजह से इसने अपना मूल स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव किया है, क्योंकि यह सूखे क्षेत्र का पौधा है और यह एक रुई के समान है। जिस तरह हम कपास देखते हैं, तो किसी समय में जब जो लोग गरीब हुआ करते थे उनके पास आर्थिक कमजोरी होती थी, तो उनके जो सोने के समय जो हमारे गर्दन के नीचे जो तकिया लगाते हैं उसमें इसका भराव करते थे। और हम यहाँ इसे बुई कहते हैं। रेगिस्तान में यह बहुतायत मात्रा में है। जैसे जैसे नहर और कृषि जगत का क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस पौधे का बिल्कुल विलुप्ति की ओर जा रहा है। आप इसके पत्तों को भी देख सकते हैं। और नज़दीक से मैं इसके, हम इसे मिमझर के तरह कहते हैं, यह थोड़ा पानी मैंने जैसे बताया कि पिलाने से थोड़ा इसमें फर्क आ गया है। तो यह है रेगिस्तान का एक पौधा जिसे हम बुई कहते हैं, और वैसे अंग्रेजी भाषा में इसको कपोक बुश कहते हैं। यह स्वतः ही मेरे गमले में उगाया था, तो मैंने देखा क्यों ना यह हमारे रेगिस्तान की झाड़ी है, उसे हमें बताया जाना चाहिए। यह अमूमन रेत के बीच में ज़्यादा दिखता है। यह कह सकते हैं क्षारीय पौधा है, यानी जमीन में खारापन होता है वहीं यह देखने को मिलता है। यह रुई के समान है और इतना ज़्यादा कड़क नहीं होता है और छोटा ही होता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई, कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।